मन कैसे मरता है। मन को मारना इतना आसान नहीं है। मन अगर आपका शरीर नष्ट हो जाए, आप सांसारिक भाषा में आपकी मृत्यु हो जाए, आपका जीवन ही न रहे, तो भी ये मन नहीं मरता। ये मन मजबूत होता है और मजबूत होता चला जाता है, क्योंकि आपने इसको इंद्रियों के विषयों के इतने भोग लगा दिए, इतना इसको इस संसार में फंसा दिया कि ये जाना ही नहीं चाहता, इस संसार को छोड़ना ही नहीं चाहता, परमात्मा की ओर बढ़ना ही नहीं चाहता, ये काल महाकाल को पार करना ही नहीं चाहता। इतनी अच्छी अच्छी वस्तुएं इसको लगती है संसार में कि इतनी इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, कैसे ये दूर भागे उनसे। इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि भोगता रहे भोगता रहे भोगता रहे, तो वो जो भोग की जो आदत इसको लग गई है वो इसको काबू में नहीं करने देती। और जब तक ये काबू में नहीं होगा, आप सोचते रहेंगे कि आदमी मर गया तो मन भी मर गया होगा, समाप्त हो गया होगा। वो मन नहीं मरता मरने के बाद भी, मरने के बाद फिर उस जीव को घुमा करके उठा करके भोग के अनुसार फिर वापिस संसार के अंदर डाल देता है और फिर घुमाता रहता है। आप देखो इन देवी देवताओं को, इन देवी देवताओं को देखोगे तो एहसास होगा इनका मन नहीं मरा है। इनका भी मन इसी प्रकार से है जैसे आप लोगों का है। ये भी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए, सांसारिक वस्तुओं के लिए, सांसारिक चीज़ों के लिए आप कुछ बोलते हो, ये छोटे छोटे काम कर देते हैं, तो मन कहाँ मरा। आप सोचोगे कि मन तो मर गया, नहीं मरा बिल्कुल भी। जब देवी देवताओं का मन नहीं मरा, इंद्र का भी मन नहीं मरा, और कितने देवता हैं उनका मन नहीं मरा, देवराज तक इसी प्रकार से घूम रहे हैं, तो किस प्रकार से और कैसे ये मन मरेगा। और जब तक ये मन नहीं मरेगा, आप जीवन मुक्त नहीं हो सकते। मन कब मरेगा? इसी शरीर में रहते हुए, इसी शरीर के ऊपर पकड़ करते हुए, अपने मन को केंद्रित करते हुए, मन को एकाग्र करते हुए, इसे ध्यान साधना में लगाओ और उससे इसे दिशा दे दी जाए और आपके शरीर रहते हुए ये काबू में हो जाए, तब ये मन मर सकता है। अगर आप सोचते हो कि शरीर मर गया मन मर गया, आपके अंदर भूल है, फिर लौट करके आओगे इस संसार के अंदर और लौट करके फिर वहीं से शुरुआत होगी। अगर फिर वही काम रहे, फिर इसी प्रकार से इस 84 के घेरे के अंदर घूमते रहोगे, ये मन नहीं मरेगा। इस मन को मारने के लिए अलग दवाई है। मन को मारने के लिए ये स्वामण लड्डू से नहीं मरेगा, ये यज्ञ से भी नहीं मरेगा, ये आप 10-5 साल खड़े रहे साधना करते रहे उससे भी नहीं मरेगा, आपने अन्न और भोजन छोड़ दिया मेरे भाई उससे भी नहीं मरेगा। बल्कि इन चीज़ों से साधना कर करके, इन चीज़ों से हट कर करके मन और मजबूत हो जाएगा और कठिन रास्ता होगा फिर मन को तोड़ने के लिए। मन जो टूटेगा वो नाम के द्वारा टूटेगा, मन जो टूटेगा वो समर्पण के द्वारा टूटेगा, मन जो टूटेगा वो परमात्मा के दासत्व से टूटेगा कि हम तो परमात्मा के दास हैं, हम तो तेरे चरणों के सेवक हैं। जब तक आप परमात्मा के दास नहीं बनेंगे, परमात्मा के सेवक नहीं बनेंगे, ये मन आपके ऊपर इसी प्रकार से राजा बन करके आपको दौड़ाता रहेगा, भगाता रहेगा, और अंत में मृत्यु निश्चित है। और फिर घूम करके आओगे, फिर चले जाओगे, आते रहोगे जाते रहोगे, लेकिन मन को नहीं मार पाओगे। तो आज ही मन को काबू में करने का, मन को कंट्रोल करने का और मन के एक एक स्वभाव को पकड़ने का प्रयास कीजिए, साधना कीजिए और नाम का जप कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, तभी ये मन आपका मर पाएगा।